20 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को यह अधिकार है कि कोर्ट के समक्ष उनकी लेजिटिमेसी पर फ्रिवोलसली सवाल ना उठाए जाएं। यह राइट टू प्राइवेसी का एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, इसलिए कोर्ट्स को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बच्चों को मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह समझकर फॉरेंसिक या डीएनए टेस्ट के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब वे तलाक की प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं हो। यह जरूरी है कि बच्चे पति और पत्नी के बीच लड़ाई का केंद्र बिंदु ना बने। आइए ब्रीफ में समझते हैं क्या प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं। नंबर 1, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में माइनर चाइल्ड के डीएनए टेस्ट का आदेश एज अ रूटीन मैटर नहीं दिया जाना चाहिए। इनफिडेलिटी के एलिगेशन से जुड़े डिस्प्यूट्स में डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से सबूत दिया जाना चाहिए, केवल उन मामलों में जहां ऐसे दावों को साबित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। नंबर 2, वैलिड मैरिज के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चों के डीएनए टेस्ट का निर्देश तभी दिया जा सकता है जब एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के तहत प्रिजम्पशन को खारिज करने के लिए पर्याप्त प्राइमा फेसे मटेरियल हो, और यदि नॉन एक्सेस के बारे में कोई दलील नहीं दी गई है तो डीएनए टेस्ट का निर्देश नहीं दिया जा सकता। नंबर 3, ऐसे मामले में जहां किसी बच्चे की पैटर्निटी सीधे तौर पर मुद्दा नहीं है बल्कि केवल कोलैटरल इशू है, कोर्ट वुड नॉट बी जस्टिफाइड इन मैकेनिकली डायरेक्टिंग अ डीएनए टेस्ट। नंबर 4, केवल इसलिए कि दोनों पार्टीज में से किसी ने फैक्टर ऑफ पैटर्निटी पर विवाद किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय को विवाद को सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट या ऐसे अन्य टेस्ट का निर्देश देना चाहिए। पार्टीज को फैक्टर ऑफ पैटर्निटी को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए सबूत पेश करने का निर्देश देना चाहिए, और केवल अगर कोर्ट को ऐसे सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है या विवाद को डीएनए टेस्ट के बिना हल नहीं किया जा सकता है तो वह डीएनए परीक्षण का निर्देश दे सकता है और अन्यथा नहीं। इन अदर वर्ड्स, केवल एक्सेप्शनल एंड डिजर्विंग केसेस में जहां विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा टेस्ट इंडिस्पेंसिबल हो वहीं ऐसा आदेश दिया जा सकता है। नंबर 5, अडल्ट्री को साबित करने के साधन के रूप में डीएनए टेस्ट का निर्देश देते समय कोर्ट को एडल्ट्री से पैदा हुए बच्चों पर इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिसमें इनहेरिटेंस रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल स्टिग्मा एक्सेट्रा शामिल है। ऐसे ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब टू एलेक फॉर जुडिशियरी। थैंक यू।